Tada! This is my A6 2011 Orlando grey color with sports kit installed by me, chrome grills. This is a 2011 variant. I realized ये किसने चोरी कर लिया है wheel hub. मैं थोड़ी देर से Q5 चला रहा था, काफ़ी दिनों बाद ही हफ्ते दिन बाद चलाई है. तो अभी मैं कहीं जा रहा हूँ इसमें. This is my lovely car, which I really love, and I call this a magical car. I'll tell you this later. So ये इसका वार्निंग मीटर है, यहाँ पर जो भी कार को अलर्ट देना होता है वो दे देती है. तो अभी इसी मेरे को बता रहा है कि वाइपर वाशर भरने वाला है, ब्रेक पैड्स वेयर एंड टियर होने से पहले बता देता है, सब कुछ भी इस गाड़ी में होने से पहले आपको बता देता है. सो आपको दिमाग बंद करके भी आप कार चला सकते हो, आपको मेंटेनेंस में कोई टेंशन नहीं आती. इट टेल्स यू प्री हैंड कि यार ये होने वाला है. अब आप उसके बाद भी ना कराओ वो आपकी प्रॉब्लम है. तो 1140 की रेंज है, अराउंड 80 लीटर्स का टैंक है, 550 रुपये का डीजल आया. दिस इज द रीजन वाई दिस कार इज सो मैजिकल, बिकॉज दिस हैज एयर सस्पेंशन एंड देन इट कैन कस्टमाइज ऑल दी सेटिंग. इंजन गियर बॉक्स को आपने कम्फर्ट में रखना है या स्पोर्ट्स में रखना है. एयर सस्पेंशन के अंदर बहुत सारे मोड्स हैं, मैं चलाते हुए बताऊंगा अच्छे से. स्टेयरिंग आपको कम्फर्ट में करना है या ऑटोमेटिक पे करना है, या आपको टाइट करना है, डायनामिक में करना है. बेल्ट टेंशनर, दिस बेल्ट ये भी कैसे टाइट होगी या लूज होगी इसमें आप चूज कर सकते हो. सो बेसिकली अगर आप मेरे चैनल को बड़ी देर से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि हर एक कार का सबसे बड़ा यही चैलेंज होता है कि यार वो किस तरह ट्यून्ड है, वो कंफर्टेबली ट्यून्ड है या स्पोर्ट्स ट्यून्ड है, वो हार्ड है या सॉफ्ट है, क्या है. बट विद दिस थिंग आप एक्चुअली कार को ऑन द गो कस्टमाइज कर सकते हो. सो यू कैन सी मैं 100 से ऊपर हूँ और कॉर्नरिंग कर रहा हूँ. सो ये चंडीगढ़ से रोपड़ का रास्ता है, विद लाइक वेरी गुड रास्ता, रोपड़ नंगल एंड ऑल दैट. तो अभी आई वॉन्ट टू टेल यू कि एयर सस्पेंशन का मैं जादू बता रहा था कि वाई इट इज सो गुड, बिकॉज राइट नाउ आई पुट द कार इन डायनामिक मोड. सो अब तक जितने लोग फॉलो करते हैं मेरा चैनल, उनको रियलाइज होगा कि मैं हर गाड़ी की जब ड्राइविंग देखता हूँ तो मेन यही देखना पड़ता है कि वो गाड़ी सॉफ्टली सेटअप है, टाइट सेटअप है. जैसे जितनी जर्मन होती है वो टाइट सेटअप है. अभी मैं वैसे हाई स्पीड पर रैश चला रहा हूँ, 110, 113, 116, 118, आई थिंक आई डोंट नो इफ यू कैन सी द स्पीड. सेट द एयर सस्पेंशन टू डायनामिक, दैट मीन्स गाड़ी बिल्कुल टाइट एक स्पोर्ट्स कार की तरह चिपक चिपक के चल रही है कार, बिकॉज प्लेन ही है सस्पेंशन में. दैट इज द ब्यूटी ऑफ एयर सस्पेंशन कि आप जब चाहो इस कार को, मतलब इट्स लाइक टू मेनी कार्स इन वन कार. दैट इज वाई आई कॉल दिस अ मैजिकल कार. लोगों को लगता है एयर सस्पेंशन में इशूज आते हैं, उनका बलून फट जाता है या प्रॉब्लमैटिक है, बट मेरे को पास हल है जिसके कारण आपके एयर सस्पेंशन को कुछ नहीं होता और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स आप ले पाते हैं. और ये एक चीज है जो A6 में ही है, ना ई क्लास में है ना 5 सीरीज में. अभी आई कैन हैव सो मच फन ऑन हाई स्पीड. जब मैं शहर में होता हूँ आई पुट इट ऑन कम्फर्ट मोड. खराब से खराब रस्तों में ये ऐसे निकल जाती है जैसे पुरानी हुंडई की i20 की राइड क्वालिटी, अगर आपको याद हो. मतलब सुपर सॉफ्ट, आपको लगता ही नहीं आप किसी चीज़ से निकलो, सोफे की तरह वहाँ से निकल जाती है. तो नॉर्मली अगर कोई गाड़ी सॉफ्ट सेटअप है वो हाईवे पे बिल्कुल खराब चलती है, बहुत ज़्यादा इधर उधर डोलती है, बिल्कुल सही नहीं चलती है. और जो गाड़ी बहुत स्पोर्ट्स पोलो की तरह बहुत ज़्यादा हार्ड सेटअप है वो खराब रस्तों से बहुत ज़्यादा क्रैश करके चलती है. तो एक गाड़ी में इतने सारे मजे, इतने सारे फीचर्स आप दे सकते हो ओनली विद दिस अडैप्टिव एयर सस्पेंशन. एंड दीज आर टू डिफरेंट मोड्स, एक कंफर्ट, एक डायनामिक. कंफर्ट में सुपर लाइट, डायनामिक में अब यहाँ से मैंने इंडिविजुअल सेटिंग्स खोली हुई है. वन इज ऑटो, वन इज कंफर्ट, ये डायनामिक. सो अगर बैक जाऊंगा तो ये ऑडी ड्राइव सेलेक्ट है. तो बेसिकली आप सारी सेटिंग्स चूज कर सकते हो. आपको गियर बॉक्स स्पोर्ट्स में डालना है, नॉर्मल रखना है, एयर सस्पेंशन के मोड्स बता दिए, स्टेयरिंग और बेल्ट टेंशनर आपको पहले बताया. बट पॉइंट इज कि अब दो मोड्स पे तो मैं डायरेक्टली डाल सकता हूँ कि मुझे एक्सट्रीमली कंफर्ट चाहिए, एक्सट्रीमली डायनामिक, एक्सट्रीमली टाइट कार थी. सो इट कैन गो फ्रॉम वेरी टाइट कार की चिपक के ऐसे 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 चले, एंड फ्रॉम टू अ वेरी सॉफ्ट कार जो बिल्कुल खराब सड़कों पर आराम से चलती है, टू व्हेन यू पुट इट ऑन ऑटो, दैट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम. ये मतलब नहीं है, जैसे बहुत सारी गाड़ियों में देखता हूँ, जैसे ML क्लास है या GL क्लास इस लेवल की भी आती है, उनके अंदर भी दो मोड्स हैं, कंफर्ट का या स्पोर्ट्स का. बट जब हम इसको ऑटो में डालते हैं, ऑटो के अंदर ऐसा नहीं है कि वो अपने आप चूज करते हैं मुझे कंफर्ट में रखना है या सिर्फ स्पोर्ट्स में रखना है. दैट ओपन अ डिफरेंट रेंज ऑफ सो मेनी अदर डिफरेंट वेरिएशन एंड लेवल्स, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स ऑफ सस्पेंशन. सो ऑटो में ये ज्यादा टाइट भी नहीं होती, ज्यादा लूज भी नहीं होती, चेंज भी करती रहती है, अपने आप को अडेप्ट भी करती रहती है. एंड नंबर टू, सबसे बड़ी बात, आपको पता होगा ये बात जो बहुत ज्यादा लोग ड्राइव करते हैं सेंसिटिव है, कि आपकी कार डिफरेंट परफॉर्म करती है जब उसमें ज्यादा लोग बैठे होते हैं या सामान ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू उसमें कितना वेट है. वो इसलिए होता है क्योंकि उसकी सस्पेंशन उस हिसाब से चेंज हो जाती है. अगर आपको याद होगा ट्रांसफॉर्मर 1 में जेसन स्टैथम की मूवी में, जब वो ट्रांसपोर्टर मूवी में वो क्या करता है कि ट्रांसफॉर्मर कह रहा ट्रांसपोर्टर मूवी में जेसन स्टैथम क्या करता है, वो चोरों साथ डील करता है और कि उन्होंने उस बैंक हाइस्ट में से 3 चोरों को उसने भगा के लेके जाना होता है. सो वो चोर आके बैठते हैं, दिस इज द ओपनिंग सीन ऑफ द मूवी एंड वेरी अमेजिंग सीन.
तो चार तीन चोर की जगह चार चोर आगे उस गाड़ी बैठ जाते हैं, और वो कहता है कि मेरे से आपकी तीन चोरों की बात हुई थी, चार कहां से आगे, मैंने ऐसे गाड़ी नहीं चलानी। तो वो कहता है ये क्या मतलब है, तीन और चार हो क्या फर्क है। सो ही टोल्ड कि मैंने तीन लोगों के हाइट और वेट के हिसाब से गाड़ी की सस्पेंशन ट्यून करी है पुलिस से बचने के लिए। तो उसकी बात वो कहते नहीं नहीं चार हैं चार हैं चार हैं, वो कहते नहीं मैं नहीं गाड़ी चलाऊंगा, आप पहले उस हिसाब से सेट करो। तो फिर वो एक चोर को गोली मार के मार देते हैं, तीन चोर उसमें रहते हैं। तो जैसे स्टाथम को होता है कि हाँ यार अब मेरी कार जितना वेट मुझे पता था उसके हिसाब से सेट है, ये i20 को ज्यादा खा लिया थोड़ी उस हिसाब से सेट है। फिर वो गाड़ी चलाता है और बहुत रैश चलाता है बिकॉज बहुत कंफर्टेबली वैसे चला पाता और पुलिस सब बचा लेता तीनों चोरों। सो पॉइंट इज अगर आपके उसके बाद अडेप्टिव सस्पेंशन होती और वो ऑटो मोड पे होती तो उसकी गाड़ी अपना चार चोरों के वेट के हिसाब से वेट सेट कर लेती, बिकॉज ये वो करती है। अगर आपकी गाड़ी में बहुत ज्यादा लोग बैठे हैं या इस टाइम मेरा बूट पूरा फुल है मतलब कार अपने मैक्सिमम वेट पे है, बट ऑटो मोड पे अडेप्टिव सस्पेंशन के कारण मेरे को नहीं लग रहा कि यार की गाड़ी थोड़ी डिफरेंट चल रही है जब मैं अकेला चला रहा होता हूँ उससे। डेफिनेटली इंजन पे जोर थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है वेट के हिसाब से, वो अलग बात है, बट सस्पेंशन अपने आपको एडजस्ट ऐसे कर लेते कि आपकी कार नॉर्मल सिचुएशन में। नहीं तो अगर आप कोई एसयूवी में बैठे हो किसी भी कार में बैठे हो जब ज्यादा लोग होते हैं तो वो ज्यादा डोलती है ज्यादा परेशान होती है बिकॉज सस्पेंशन के स्प्रिंग्स पे जोर ज्यादा पड़ा होता है। तो इसमें वो कुछ नहीं है, तो सब कुछ इसका नॉर्मल सा एक ऑटो मोड, ये एयर सस्पेंशन को अगर मैं ऑटो में करूँ इसका नॉर्मल सा ऑटो मोड सब कुछ मैनेज करता है। दिस इज वन थिंग एंड देन सो बेसिकली आप हर टाइप पे एक परफेक्टली परफेक्ट ड्राइविंग एक्सपीरियंस ले सकते हो इस कार का, और जैसे कि आपको एक्सपेक्टेशन है कार से उस टाइम पे आप बटन दबा के वो कर सकते हो। एंड बटन नहीं दबाना तो ऑटो पे छोड़ दो अगर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। एंड देन अनदर थिंग इज ये एक लेवल है, देन अनदर थिंग इज अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थोड़ा ब्लैक डॉट हुआ हुआ रेज का बटन, तो मैं 1 मिनट 80 से कम करता हूँ स्पीड तो यहाँ पे रेज का बटन हाईलाइट हो जाएगा। जस्ट अ सेकंड, आई डोंट नो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, एक सेकंड, आई एम एट 91 85, ये आ गया। अब ये बटन यहाँ पे अगर मैं दबा दूंगा अभी तो गाड़ी उठ जाएगी अभी, क्योंकि हाई स्पीड है तो पता नहीं लगेगा और मैं चाहता नहीं अभी उठे। बट पॉइंट इज इससे कार की हाइट 50 mm बढ़ जाती है और ग्राउंड क्लियरेंस में 50 mm का रेज बहुत बड़ी बात होती है। वैसे 50 mm आपको कम लगे बट वैसे 50 mm बहुत बड़ी चीज होती है एट इन लेवल ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस। सो आपको जब भी लगे अगर आप पहाड़ों पे हो, या एक तो हो गया पहाड़ों पे आपको कट काटना है, जैसे जिस रोड पे मैं हूँ हाई स्पीड कॉर्नरिंग है तो मैं डायनामिक मोड पे गाड़ी चिपका के चलाने वाला हूँ और मैं पूरा मजा लेने वाला हूँ। बट अगर खराब रास्ते हैं, जैसे अचानक आप देख रहे हो कि थोड़ा बहुत खराब स्ट्रेच है या थोड़ी सी गाड़ी ऊबर खाबड़ है रोड, या आपको लग रहा है आपको ज्यादा हाइट चाहिए, तो आपने सिर्फ ये रेस का बटन दबाना है आपकी कार लिफ्ट हो जाएगी। और दैट डज नॉट मीन कि एक बार लिफ्ट हो गई तो आपके बाकी मोड्स नहीं एक्टिव। आप पहाड़ों पे खराब जहां पे थोड़ी थोड़ी देर बाद खराब रोड आ रहे हैं आप रेज करके डायनामिक मोड कर दो तो उसमें आपकी गाड़ी ऊंची भी रहेगी और सस्पेंशन टाइट भी रहेगी। और अगर आप रेज करके कंफर्ट करते हो या कभी भी सबसे ज्यादा वर्स्ट स्ट्रेच है जहां पे आप एज एन एसयूवी आपको होता है यार कि सिर्फ एसयूवी निकलेगी, या कभी आपका जैम लगा आपने कहीं से ऑफरोडिंग करके थोड़ा सा जाना है, तो आई एम नॉट सेइंग कि एक एसयूवी जितनी बहुत बड़ी ग्राउंड क्लियरेंस है, बट एक सेडान में जहां पे आपको एक्चुअली सेडान के सारे मजे मिल रहे हैं उसके बाद नोइंग दिस कि जब वो 10-20% टाइम होता है जब सड़क खराब है और उठानी पड़ती है, एक सेकंड ठीक है, और आपको सड़क उठानी पड़ती है, सो हैविंग दिस बटन की बटन दबा के कार आपकी उठ जाती है और आप आराम से कहीं से निकाल सकते हो, इज अ वेरी बिग मूव, आई एम टेलिंग यू वेरी बिग। और जब मैं रेज करके कंफर्ट मोड करता हूँ तो इतने प्यार से ऐसे लगता है कि आप पता नहीं कौन सी बहुत सी सॉफ्ट एसयूवी में बैठे हो, बड़े ही प्यार से, कोई खड्डा कोई क्रैशिंग नहीं होती कुछ नहीं होती, बड़े प्यार से लेते बिकॉज सस्पेंशन अपने आपको बिल्कुल लूज कर देती है। दिस इज द मैजिक ऑफ दिस कार एंड आई रियली लव दिस। और तभी बहुत सारे लोग और A6 बहुत पॉपुलर कार है, लोगों को ये लगता है यार कि एयरमैटिक है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने ऑटो पे करके छोड़ा होता है, उनको नहीं पता होता कि कार अंदर से क्या इंजीनियरिंग कर रही है। मैं ऑटो पे नहीं छोड़ता, मैं फिर भी खुद डिसाइड कर लेता हूँ कि मेरा भी क्या मूड है मैंने कैसे करना है, बट 90% लोग ऑटो पे चलाते हैं एंड ऑटो ऑल्सो वर्क्स रियली वेल। सो तभी दिस इज अ वेरी पॉपुलर कार और ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है बिकॉज ये और किसी कार में है ही नहीं, बहुत रेयर रेयर कार्स में, और जिन कार्स में अडैप्टिव एयर सस्पेंशन है भी वो बहुत महंगी है, डिफिकल्ट टू मेंटेन है, एंड देन उसके अंदर इतने मोड्स नहीं है और फिर भी वो इतनी कंफर्टेबल नहीं है। तो लोगों को लगता है यार कि एयर कुशन करके हमारी कार कंफर्टेबल है, बट एयरमैटिक का मतलब ये होता है इट्स नॉट लाइक एयर स्प्रिंग्स, बट मतलब ये होता है कि वो मतलब बैलून से आपकी सस्पेंशन को अडेप्ट करके, मतलब बेसिकली इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कि आपका एक एयर कुशन है, जैसे हम स्केचर्स के शूज या उनमें बात करते हैं वो अलग बाकी, आप एयर बैग के कारण वो सॉफ्ट है, बट पॉइंट इज आपकी सस्पेंशन को वो डिफरेंट लेवल्स पर ट्यून कर सकता है, वो हाइड्रोलिक सिस्टम है जो एयर का वो यूज होता है उसमें, इस करके ये कार आपको हर तरह का एक्सपीरियंस दे पाती है एंड दैट इज रियल एक्सक्लूसिव थिंग अबाउट दिस कार। देन इसकी माइलेज बहुत अच्छी है, अभी भी मैं बहुत तेज चला रहा हूँ तो अराउंड 6 लीटर पर 100 किलोमीटर आ रहा है, विच इज अराउंड 17 किलोमीटर पर लीटर,
मैं अगर इसको 70-80 पे क्रूज करता हूँ तो 24-25 दे देती है, जो दिल्ली गुड़गांव के हाईवे पे अगर आप कर रहे हो तो आराम से निकलाती है। नॉर्मली जब मैं 100-110 पे नॉर्मल क्रूज करता हूँ तो 19-20 की आराम से निकाल लेती है, और बहुत रिफाइंड इंजन है BMW का। एज कम्पेयर टू दिस 2 लीटर इंजन उतने रिफाइंड नहीं है, बहुत शोर करते हैं, बहुत ग्रंट है। तो दिस इज वाई आई कॉमनली ड्राइव ऑडीज BMW की। अपनी कुछ और खासियत है वो मैं कभी वो जो ड्राइव करूंगा वो बताऊंगा, बट दिस इज वाई दिस इज एन अमेजिंग कार, एन अमेजिंग कीपर कार, और तभी सड़क पे इतनी दिखती भी, और तभी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मिड रेंज सेडान है। देन मर्सिडीज ई क्लास है, मर्सिडीज ई क्लास एक्चुअली ज्यादा कॉमन है, उसके बाद 5 सीरीज और ये दोनों आती हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं इक्वल लेवल पर ही है, बट मर्क की अपनी ब्रांड वैल्यू है क्योंकि बूढ़े लोगों को, हायर जनरेशन लोगों को मर्क ज्यादा पसंद आती है, बिकॉज इंडिया में पहले वो आई थी। बट आई बिलीव आउट ऑफ द ऑल थ्री अ लॉट ऑफ पीपल नो दिस कि एक्चुअली बेस्ट प्रोडक्ट ये है, A6 है। दिस इज वॉज माई सम स्मॉल टाइम विद लिविंग विद एन ऑडी A6। बाकी लेट मी ड्राइव एंड एंजॉय ड्राइविंग।